गाइस एक और मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत हमेशा की तरह कोहरे के साथ हुई है। और अभी मैं आ गया हूँ उसी खेत में पुराने वाले अपने, और यहाँ पे मैंने ये जो है ऐसे छोड़ दिए थे यहाँ पे ये वाले, तो इनको अभी मैं रख रहा हूँ दूसरी जगह, मतलब कहीं पर ढकेंगे तो सूख जाएगी, उसके बाद जलाने के काम आ जाएगी, तो अभी रखते हैं इनको साइड। वो तो मैंने अभी साफ कर दिया है और अभी मैं जा रहा हूँ। ये दिक्कत हो गई है क्योंकि पानी आने रहा है, तो वहाँ पानी ही भरने जाना पड़ेगा, तो अभी पानी लेके आते हैं। तो गाइस डब्बा तो पूरा भरा हुआ है और जैसे कि मैंने बताया पानी नहीं आ रहे थे, इसलिए किसी ने पानी बंद कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस टाइम पे पानी बंद कर देना चाहिए, और आजकल ऐसा है कि पानी बनाने भी नहीं जा सकते क्योंकि पाइप है खेतों में, और खेतों में आजकल हो रही है बड़ी बड़ी घास, तो जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक बार के लिए आप चले भी गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सूख के आएंगे आजकल बरसात के टाइम पे, बाद में एक तो पूरा गीला हो जाएगा, तो मतलब कई सारी दिक्कतें हैं। तो और मौसम की बात करें टंकी से तो आज ही है, सामने तो आप देख भी नहीं पाओगे, इतना फॉग हो रखा है आजकल और चारों तरफ ही हो रखा है। देखो मतलब यहाँ से उस वाली पहाड़ी पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, नज़दीक वाली पे मतलब पूरा वाइट 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 और ग्रीन ग्रीन। तो जी पानी की हालत ऐसी हो गई है और मैंने तो लगा दी बाल्टी, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा घूमने के लिए, और इधर चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। बाय द वे नेक्स्ट डे है आज, और सुबह सुबह की बात है ये, और चलते हैं अभी ऊपर को। बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई टंकी, अब बिल्कुल भी पानी की बूंदें नहीं गिर रही है उसके अंदर, क्योंकि ये वाली टंकी है जो इसी से नीचे को ट्रांसफर होता है पानी, तो इसमें नहीं आ रहा था, नीचे वाले में कैसे आएगा। तो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज हो गया था, मैं जा रहा था ऊपर अपनी भैंस लेने के लिए, तब तक रास्ते में बहुत तेज तो नहीं लेकिन बारिश होनी शुरू हो गई थी, और अभी तो हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन मैं आ गया था स्कूल में क्योंकि यहाँ कोई नहीं है आज, आज छुट्टी भी है, तो यहीं पे मैंने सोचा एक वीडियो भी बना लेते हैं, स्कूल के दर्शन भी हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा प्राइमरी स्कूल, आवाज़ हल्की सी गूंज रही होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर थोड़ी बहुत घास जो हो गई है क्योंकि स्कूल काफ़ी टाइम बाद खुल रहे हैं आजकल, तो यही है आजकल दिक्कत। और नीचे ये एक और एरिया है जो कि स्कूल से ही रिलेट करता है, और अभी मैं निकल रहा हूँ घर, घर को तो नहीं ऊपर को चलते हैं क्योंकि बारिश बहुत हल्की हल्की हो गई है। ये वाली बिल्डिंग है आंगनबाड़ी की, और ये वाला है शौचालय, वो वाला पुराना है जो कि अब टूट चुका है, रास्ता ऐसा हो रखा है आजकल घास और केस की चारों तरफ। तो गाइज मैं वहाँ पे वीडियो बना रहा था तो लोग मुझे देख रहे थे, तो वो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है उस टाइम जब आप वीडियो बना रहे हो और कोई आपको देख रहा हो, तो इसलिए मुझे शर्म आ गई और मैं बंद करके चुपचाप भाग गया वहाँ से। लगभग मैंने अभी आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है, बारिश अभी भी हो रही है हल्की फुल्की हल्की फुल्की, तो अभी थोड़ा सा रह रखा है, अभी देखते हैं अगर नीचे आते टाइम ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कहीं रुकना पड़ेगा। तो गाइस आज सिचुएशन जो है कि वो पूरी उल्टी हो चुकी है, ऊपर से नीचे को जाओ तो मतलब और दिन कम 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 कोहरा रहता, आज नीचे से ऊपर को आ रहे हैं तो कम 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 कोहरा दिख रहा है, तो उल्टा हो गया आज तो मामला।
ये देखो ऊपर की साइड को आज पूरा कोहरा कम कम लग रहा है इस साइड को, और नीचे को देखो आज सारा उस साइड कोहरा जम के लगा हुआ है। तो आज सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी हो गई है। तो फिर से पहुंच चुके हैं हम नीचे, और इधर आप देख सकते हैं कोहरा लगा हुआ है पूरा। इधर बारिश भी हो रही है, उधर ऊपर बारिश भी नहीं हो रही थी और आज कोहरा भी नहीं लगा हुआ था। तो बहुत रेयर होता है ऐसे कि वहाँ कोहरा ना लगा हो, यहाँ कोहरा लगा हो। पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं पहुंच चुका हूँ अभी घर पे, और लगभग आधा घंटा भी नहीं लगा है हमको, ऐसे दौड़ दौड़ के आ गए नीचे। और इधर देखिए आप पूरे बरसाती फूल लगे हुए हैं सारे सफ़ेद सफ़ेद, और यहाँ पे थोड़े बहुत एक आध नीले और बाकी सफ़ेद सफ़ेद। ये वाले फूल जो है बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल बरसात में, और बाकी इतनी बड़ी बड़ी घास हो ही रखी है। तो गाइस बाल्टी पूरी भर चुकी है, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि मेरे आते ही बाल्टी अपनी भरी हुई मिली है, और अभी मैं इस बाल्टी को लेके जाऊंगा और दूसरी वाली बाल्टी को वहीं पे लगा दूंगा। तब तक मैं थोड़ी देर इधर टाइम पास करूंगा अभी। तो गाइस इतनी देर में मैंने यहाँ पे बैठे बैठे एक आउटरो बना लिया चैनल का, जो कि थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगा। और देखते ही देखते मौसम भी खुल गया हल्का फुल्की, मतलब उजाला सा ज़्यादा हो गया हल्का फुल्का, ऐसा लग रहा है ज़्यादा मतलब रोशनी बढ़ गई है क्योंकि कोहरा छट गया है ना नज़दीक नज़दीक से दूर दूर पे लगाया तो इसलिए। और बाल्टी भी मैंने लगा दी दूसरी, और इसको अभी लेके चलते हैं घर को। अभी लंच का टाइम भी हो गया है तो लंच करेंगे, उसके बाद देखते हैं अगर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, नहीं इसको एंड करेंगे दूसरी वीडियो स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज अभी लंच हो चुका है, और लंच के बाद हम खाएंगे सेब। और इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।